अल्ट्राटेक विक्रम सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स सीएसआर के माध्यम से करवाए गए महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण का विधायक दिलीप सिंह परिहार ने लोकार्पण किया। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती की पूर्व संध्या पर गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार और अतिथियों ने महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उल्लेखनीय है कि नीमच के ग्वालटोली सर्कल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा के आसपास पेड़ पौधे, रेलिंग, लाइटिंग और फवारा लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम को विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने संबोधित किया। अतिथियों ने महाराणा प्रताप के पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद किया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस अवसर पर विक्रम सीमेंट के प्रबंधक डॉक्टर अभिषेक शाह, सिविल प्रबंधक राजेंद्र शर्मा, कमल गाडोलिया लुहार, अभिमन्यु सिंह चौहान, छत्र सिंह परिहार और अतिथियों का साफा बांध और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस भव्य लोकार्पण समारोह में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, योगेश जैन, हेमंत हरित, विक्की बना, जितेंद्र शर्मा, आदित्य मालू श्याम, पाल सिंह भदौरिया मंचासीन रहे। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा ने वीर रस की कविता सुनाई। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस मौके पर महाराणा प्रताप जयंती पर घोषित अवकाश की सभी को बधाइयां दी। कार्यक्रम का संचालन विजय बाफना ने किया। 483वीं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जो महाराणा प्रताप जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ राष्ट्रभक्तों ने दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण करके आज महाराणा प्रताप जी को याद किया है और निश्चित ही मन में बड़ी प्रसन्नता है। मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी राष्ट्रपुरुष महाराणा प्रताप जी का यह एक आदमकद प्रतिमा यहाँ लगी है। हर साल महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और सारे कैबिनेट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने महाराणा प्रताप को राष्ट्रपुरुष मानकर और उनकी छुट्टी मध्य प्रदेश में घोषित की है। जब भी कोई बच्चे या माता पिता अपने बच्चों को जब इस रोड से लेकर निकलेगा और इस मूर्ति के लिए पूछेगा तो वो कहेंगे कि ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है जिन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और आज हम उनके इतिहास को पढ़ रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।